बहुत ही टेस्टी नाश्ता हमने बनाया है व्रत के लिए, और अब व्रत रखना बहुत आसान हो गया है। इतना टेस्टी नाश्ता सबको मिलेगा तो ज़रूर रखेंगे सभी व्रत। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को बनाते हैं और इसको हम दही के साथ एंजॉय करेंगे। तो इसको बनाना शुरू करते हैं। दो कच्चे आलू लिए हैं, इन्हें हम कद्दूकस कर लेंगे इस तरह से। फ्रेंड्स, इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं व्रत में, ये खाने में बहुत ही हेल्दी है और टेस्टी लगती है खाने में और झटपट से बन के तैयार हो जाती है। इस तरह से हमने आलू को ग्राइंड कर लिया है, घिस लिया है, कद्दूकस कर लिया है। आलू को मैंने इस तरह से कद्दूकस कर लिया है। अब हम इनको पानी में धोएंगे, इनका स्टार्च हमें निकालना है। तो बाउल में मैंने पानी लिया है और सारे आलू मैं इसमें डाल दूंगी। और अच्छे से इनको हम धो लेंगे। देखिए कितना स्टार्च इसमें निकल रहा है, वाइट हो गया है बिल्कुल पानी। अब हम आलू को इस तरह से निचोड़ के हम एक बाउल में निकाल लेंगे, इसको साइड में रख देते हैं, और दूसरे बाउल में हम निकाल लेंगे इसको निचोड़ कर इस तरह से। आप इसको उबले हुए आलू से भी बना सकते हैं। आपके पास समय ना हो तो आप कच्चे आलू से झटपट इसको बना के तैयार कर सकते हैं, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। आलू को हमने दो तीन बार धो के स्टार्च निकाल लिया है इनका, और अच्छे से ये साफ़ हो चुके हैं। इसमें हम डालेंगे कुट्टू का आटा, आप इसकी जगह सिंगाड़े का आटा और चने का आटा भी ले सकते हैं। थोड़े से टमाटर काट के लिए हैं और धनिया लिया है हरा। अगर आप टमाटर नहीं खाते हैं तो इसको स्किप करें। थोड़ी सी कटी हुई मैंने हरी मिर्च डाली है, जीरा डाला है आधा चम्मच, काली मिर्च पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, आधा चम्मच नमक डाला है व्रत वाला, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल सकते हैं। थोड़ा सा इसमें मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला है, अगर आप खाते हैं व्रत में तो डाल सकते हैं। इन सबको अब हम मिक्स कर देंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे हम। फ्रेंड्स, इसमें आलू की जगह आप पनीर का यूज भी कर सकते हैं। इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बैटर तैयार कर लेंगे इसका। अगर आपको आटा कम लग रहा है तो आप और भी आटा इसमें ऐड कर सकते हैं, आप अपने आलू के अकॉर्डिंग ले सकते हैं इसमें। अगर आपने आलू ज़्यादा लिए हैं तो आप दो कटोरी का यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसे थोड़ी देर रेस्ट के लिए रख देते हैं। और देखिए बैटर रेस्ट पे हो चुका है और इसमें अब हमें पानी मिलाने की ज़रूरत नहीं है और ये बिल्कुल अच्छे से परफेक्ट बन के तैयार हो चुका है। तो हम चलते हैं गैस की तरफ। हमने ऑयल गरम कर लिया है पैन में और ऑयल थोड़ा ही डाला है। अब हम इसमें बैटर डाल देंगे जो अभी बनाया था। तो हम एक चम्मच भर के इसमें बैटर डालेंगे और इसको अच्छे से फैला लेंगे और गैस को हम धीमी आंच कर देंगे। गैस को हम ढक देते हैं, ऊपर से ये ड्राई हो गया है और चारों तरफ से ये देखिए छूट रहा है, तो इसका मतलब हमारा एक साइड से सिक गया है। तो इसको हम पलट देंगे। देखिए हमने पलट दिया है और कितना प्यारा इसका कलर आया है, बिल्कुल खस्ता है ये। और दूसरी साइड से भी हम इसको सेक लेंगे। दोनों साइड से सिक गया है, हमने इसे प्लेट में निकाल लिया है। इसी तरह से हम दूसरे भी तैयार कर लेंगे। अब दूसरा बैच तैयार कर रहे हैं हम, इसी तरह से इसे भी सेक लेंगे। इसे हम पलट देंगे, ये देखिए दूसरी साइड से सिक गया है। ये भी चीला हमारा बनके तैयार हो गया है, इसको हम निकाल लेंगे प्लेट में।
हमारा टेस्टी नाश्ता बनके तैयार हो चुका है, कुछ ही मिनटों में बनके तैयार हो जाता है फ्रेंड्स। इसको जरूर बनाएं। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।